नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। जिस दिन से झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जेएमएम से बगावत के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं, उस दिन से ही झारखंड काफी चर्चा में है। आगामी विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच झारखंड में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल जनता के बीच पहुंचकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आ रहे हैं। वहीं अब झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके लिए भाजपा की तरफ से झारखंड की जनता के बीच में पहुंचने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम की तरफ से मैया सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और जनता के बीच पहुंचकर हेमंत सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का हवाला देते हुए और महिलाओं के सम्मान की और उनके सुरक्षा समेत विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच बयानबाजी का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है। जिस दिन से ये दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और जेएमएम चुनावी मैदान में उतरी हैं, उस दिन से ही दोनों पार्टियों के बीच खूब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। भाजपा ने जहां झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला है, तो वहीं जेएमएम भाजपा पर सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने और आदिवासियों के हक छीनने का आरोप लगाते हुए हमलावर है। इसी बीच कल्पना सोरेन ने पश्चिम सिंहभूमि के तांत नगर में शहीद गंगाराम कालूड़िया को नमन कर मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मंझारी, कुमार दुंगी और मंझगांव प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल, जंगल, जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़ सबको बचाने के लिए हमेशा अपने शत्रु के साथ संघर्ष किया है। यह कोल्हान के वीर भूमि है। हमारे शहीदों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कभी समझौता नहीं करता है, कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। यह सीख या प्रेरणा लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को समझना है, आपको झारखंड के हर एक शहीद सिपाही के बारे में जानना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रही है। आपके मन में हिम्मत है, साहस है, आपका ये विश्वास आपका आत्मविश्वास या सिखाता है। आगे कल्पना सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लाई गई है। इस योजना से बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। योजना को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अकेला दिखता है, अकेला है नहीं, राज्य की आधी महिला आबादी समेत पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है। आप लोग बातें सभी की सुने, लेकिन सही को चुने। बता दे कल्पना सोरेन यही नहीं रुकी और सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपके हेमंत सोरेन को बिना सबूत के जेल में डाल दिया गया। पिछले 10 वर्ष से केंद्र में भाजपा सरकार बैठी है, झारखंड को उसके लिए 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन राज्य को समृद्ध करने में लगे हैं। विपक्षी चाहते हैं कि कोल्हान समझौता करे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि जब कोल्हान की जनता अंग्रेजों के आगे नहीं झुकी, अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किया, तो बाहरी लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है। वहीं झारखंड कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और गीता कोड़ा की बगावत को लेकर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोल्हान के दो नेता गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने महागठबंधन सरकार को धोखा दिया है, उसका बदला कोल्हान की जनता चुनाव में लेगी। झारखंड राज्य लगातार विकास के पहिए पर आगे बढ़ रहा है, इस विकास से भाजपा घबरा गई है। यही नहीं, भाजपा की तरफ से भी हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा जिले के पेड़िया हाट मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासियों का दुश्मन करार दिया और कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीनें और आदिवासी समाज की बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है। वहीं संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। इस सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला किया है, सेना की जमीन को भी लूट खाया। बता दें कि माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। वहीं चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से भी झारखंड की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर जेएमएम की तरफ से चंपाई सोरेन पर पलटवार किया गया है। इससे पहले भी चंपाई सोरेन के जेएमएम से बगावत करने और भाजपा में शामिल होने से जेएमएम के
कई नेताओं और झारखंड की जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला था। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी झारखंड के विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा और जनता झारखंड की बागडोर अब किन हाथों को सौंपेगी। आपकी क्या राय है, कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।